शुभ प्रभात आप सभी को, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं हूं अभी पटना में, और मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। तो गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हमारा जो जर्नी होने जा रहा है वो एक सोलो ट्रिप है। पटना से हमारा सोनपुर के लिए आज हमारा जर्नी होगा, जो कि हम 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हम सोनपुर को पहुंचेंगे। और तो गाइज, मैं अभी निकल चुका हूं सोनपुर मेला के लिए, और इसके पहले भी मैं सोनपुर मेला जा चुका हूं, जब इसका उद्घाटन था पहला दिन और दूसरे दिन, तो दो दिन गया था, लेकिन उस वक्त पूरा काम नहीं हो पाया था। मैंने अपलोड भी किया था वीडियो, तो उसमें आप देखेंगे कि सारा काम चल भी रहा था उस समय। इसका जो मेला का समापन जो होगा वो 7 दिसंबर को हो जाएगा, यानी खत्म खेदी जी हैं जो हमें सहयोग करेंगे आज, जो हम वहाँ पे स्टॉल लगाने जा रहे हैं। और आगे का जो भी हमारा अपडेट होगा मैं आप लोगों को अपडेट करेंगे, और हमारे वीडियो में बने रहें अंत तक। और गाइस देख सकते हैं ये कितना शानदार लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेन जाते हुए बेहतरीन। और ये हम दीघा जेपी सेतु पहुंच चुके हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि कितना शानदार यहाँ पे लग रहा है, मनमोहक दृश्य लग रहा है यहाँ पे। ये जेपी सेतु ब्रिज है जो कि पटना और सोनपुर को ये जोड़ती है, ये पुल। यहाँ पे इंटर कर चुके हैं जेपी सेतु ब्रिज में, तो ये जेपी सेतु ब्रिज पे हमने इंटर कर लिया है। लगभग एक 5.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है ये ब्रिज का। एक घंटे का सफर लगता है, एक घंटा से भी कम लगता है लगभग, अगर पटना से अगर हम सोनपुर को जाते हैं, अगर ट्रैफिक कहीं भी नहीं है तो बहुत, तो 40-45 मिनट्स में हम सोनपुर में एंड कर जाते हैं। बहुत करीब पहुंच चुके हैं सोनपुर के, और समय हो रहा है 11:30 होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे दाहिने जो रोड देख रहे हैं, तो ये हम सोनपुर के लिए जाएंगे, और ये आप देख रहे हैं हमारे बाइने जो रोड देख रहे हैं जिससे ट्रक वगैरह गाड़ियां आ रही है, तो ये जाती है छपरा सिवान, और अभी हम सोनपुर के लिए निकल रहे हैं। आप इस रोड से आप डायरेक्ट हाजीपुर जा सकते हैं, और हाजीपुर से आपका कनेक्टेड है आपका मुजफ्फरपुर, फिर आप उत्तर बिहार के जितने जिला है आप उधर को जा सकते हैं। तो गाइस ये गुमटी आप देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पे कभी कभी ये गुमटी लग जाता है, तो यहाँ पे बहुत लंबी गाड़ियों का कतार लग जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है अगर गुमटी लग गया तो। लेकिन हमारे अच्छा है कि अभी गुमटी नहीं लगी हुई है, तो हम यहाँ पे निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए राहत की बात है कि हम जल्दी पहुँच जाएँगे। हम सोनपुर वाले रोड में यहाँ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको ये भी रोड है जो कि सोनपुर के लिए जाता है बाईपास से, तो बाईपास से कई ऐसे रूट हैं जिस रूट से आप सोनपुर के लिए जा सकते हैं। तो गाइस सोनपुर जंक्शन है, यहाँ से 3 रूट जाती है, एक तो आपको छपरा सिवान, और एक पटना, और एक आपको मुजफ्फरपुर समस्तीपुर के लिए जाती है। तो सोनपुर जंक्शन है, यहाँ पे ट्रेनों का आगमन लगातार होता है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मेला को, हरिहर क्षेत्र मेला जो इसको बोला जाता है, इसको छत्तर मेला भी बोलते हैं लोग, यहाँ के जो लोकल निवासी है छत्तर, वो छत्तर मेला इसको कहते हैं। और हम लोग अगर बोलना चाहते हैं तो इसको हम लोग हरिहर क्षेत्र मेला, और इस मेला का जब ये मेला कौन किसने शुरुआत किया था मैं आपको बताऊंगा। और ये मेला साल में एक बार आती है, और पूरे 32 दिनों का ये मेला लगता है, और मेला का जो शुरुआत हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो भारत के राजा थे इस समय,
सोनपुर मार्केट है। तो ये बाजार है सोनपुर का, तो यहाँ पे आपको बाजार देखने को मिल जाएगा, बहुत बड़ा बाजार है। और आप देख सकते हैं हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2022। तो ये मेरा सेकंड बार यहाँ पे आ रहा हूँ और आप लोग को आज हम बहुत ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि आप भी देखेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप भी आना चाहोगे। और बिल्कुल आप लोग को आना भी चाहिए क्योंकि ये साल में एक बार लगता है और ये बहुत एशिया का सबसे बड़ा मेला ये लगता है भाई। तो अपने आप में बहुत बड़ा ये बात है कि हमारे बिहार राज्य में सोनपुर में बहुत बड़ा मेला लगता है। जो मेला ये देख पा रहे हैं, झूला ये टूटा था दो दिन पहले, इसी का न्यूज़ में आया था कि एक टूट के वो नीचे आ चुका था जिसमें 7 लोग घायल हो गए थे। तो गाइस कृपया अगर मेला में आते हैं तो सावधानी बरतना होगा आप लोग को, ऐसे हम लोग जोखिम नहीं ले सकते हैं। ये हमने हमारा एक वीडियो था उसमें हमने ये भी बोला भी था कि इतने बड़े हाइट, ये बहुत ज़्यादा इसका हाइट होता है तो इससे काफ़ी लोग डर भी जाते हैं जब अचानक से वो इसमें जाते हैं, चढ़ते हैं और ऊपर की ओर जब जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी डर बना होता है। तो कृपया आप लोग जब भी मेला में आते हैं तो ये सब चीज़ों को लेकर का ध्यान में रखें आप लोग। बस हम लोग सरकार का जो भी विभाग का जो भी स्टॉल लगा है हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार का यहाँ पे लगा हुआ है काउंटर, जहाँ पे कुछ नुक्कड़ भी हो रहा है। यहाँ पे लोग जागरूक कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर, तो काफ़ी अच्छा पहल है कि मेला में आपको कई कई ऐसी जगह पे आपको ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान जान सकते हैं।